बच्चों वेलकम इन माय क्लास ATS टीचिंग विद तरुण सर। आज हम आपको NCERT सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड पाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपको कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए बिना स्किप किए लास्ट तक और आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा। चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? ये आपको बताना है कि कितनी लंबाई होती है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि 6 से 7 मीटर तक लंबाई होती है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर तक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल में 2 अवशेषी अंग कौन कौन सी हैं? 2 अवशेषी अंग बताने हैं आपको। सोचिए, आप सोच कर जवाब ढूंढ कर रखिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको, सीकम तथा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये 2 अवशेषी अंग मनुष्य में पाए जाते हैं। और भी अवशेषी अंग हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत के किन ग्रंथियों द्वारा आंत रस स्रावित होता है? छोटी आंत की किन ग्रंथियों द्वारा आंत रस स्रावित होता है? सोचिए आप अपना उत्तर। चलिए उसका उत्तर देखते हैं, ब्रूनर्स ग्रंथियां, छोटी आंत की ब्रूनर्स ग्रंथियों द्वारा आंत रस स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है? छोटे बच्चों में जब दांत निकलने लगता है तो कौन सा दांत होता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, मध्यवर्ती इंसाइजर्स, एकदम सामने 2 दांत दिखते हैं आपको, वो मध्यवर्ती इंसाइजर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दांत का बाहरी कठोर भाग किसका बना होता है? दांत में, दांत बहुत कठोर होता है, शरीर के सभी पार्ट से सबसे अधिक कठोर, हड्डियों से भी अधिक कठोर होता है दांत। क्योंकि जो मांस खाने वाले लोग हैं वो हड्डी को भी दांत से तोड़ देते हैं। तो कठोर भाग किसका बना होता है ये आपको बताना है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, डेंटिन का बना होता है। दांत का बाहरी भाग किसका बना होता है? डेंटिन का बना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत की शिखर, क्राउन की बाह्य परत अर्थात दांत का चमक किसके कारण होता है? दांत में जो चमक होती है सफ़ेद कलर की, वो किसके कारण होती है ये बताना है हमें। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो दांत की शिखर की बाह्य परत अर्थात दांत की चमक एनामेल की बनी होती है। यही सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत का एनामेल। दांत का एनामेल डेंटिन का बना होता है जैसे हमने ऊपर पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख गुहा का एंजाइम टाइलिन एमाइलेज स्टार्च को किसमें बदलता है? मुख गुहा का एंजाइम एमाइलेज टाइलिन स्टार्च को किसमें बदलता है? आप सोचिए इसका आंसर। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, माल्टोज में बदलता है। मुख गुहा का एंजाइम टाइलिन जो लार्स में पाया जाता है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अमाशय की भिंत में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये बताना है आपको। चलिए हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन हार्मोन अमाशय की भिंत में स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंत रस में पाया जाने वाला एंजाइम एरेप्सिन प्रोटीन के किस अवस्था पर क्रिया करता है? आंत रस में पाया जाने वाला एंजाइम एरेप्सिन प्रोटीन के किस अवस्था पर क्रिया करता है? प्रोटीन की अवस्था बतानी है हमें। प्रोटीन कई अवस्थाओं में टूटता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं,
पॉलीपेप्टाइड पर। आंत्रस में पाया जाने वाला एंजाइम एरेप्सिन प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड अवस्था पर क्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्प्रेरित करता है? हमें इसका आंसर बताना है। आप सोचिए, अग्नाशय को अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सेक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय को अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, कैटलाइज करता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिपेटोक्राइनिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? आपको बताना है हिपेटोक्राइनिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है। ग्रहणी क्या है? ग्रहणी आपका छोटी आंत का पार्ट है जो लगभग 25 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? मतलब ऐसा पाचक रस जिसको पूर्ण पाचक रस की संज्ञा प्रदान की गई हो, आप किसे मानेंगे? तो आप उत्तर सोचिए फटाफट। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। अग्नाशय रस अगर स्रावित नहीं होगा तो आपका पाचन पूर्ण नहीं हो पाएगा आसानी से, इसलिए अग्नाशय रस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस की संज्ञा प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिणित करने हेतु कौन सा हार्मोन सहायक होता है? हमें हार्मोन बताना है जो यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिणित करने हेतु सहायक होता है। इसका आंसर देखते हैं। तो ग्लूकागन नामक हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिणित करने हेतु सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साथ अंतः तथा बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मतलब हमें एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताना है जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी भी ग्रंथि है। ये एक ही ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम बताना है आपको। तो क्या आंसर हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिस्रावी ग्रंथि दोनों की श्रेणी में रखते हैं।